मज्जादा फिल्म, सारे लड़कियों को देखना चाहिए ये मूवी, और कभी भी मुस्लिम लड़का पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा मूवी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, अच्छा लगा, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा था, बहुत मतलब लोग हम ही सिनेमा देखबो बोल के हम तो छुआपोता कह रहा चाहती, और कोनो हमदर गांव में एरकम कोनो आदमी आसी हम ही उसको कूदा बसी दा। जय श्री राम। यही कहेंगे कि हिंदू समाज की सारी लड़कियां जागरूक हो और ऐसे मतलब लव जिहाद के खिलाफ हो जाए। बहुत अच्छा लगा, मुस्लिम लड़के पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सबके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जय श्री राम। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत भाल लगे ले साए। यही तो बहुत अच्छा है, अच्छा मतलब सबको देखना चाहिए जो है ना, ये लड़की लोग के लिए तो खास करके देखना ही चाहिए, जो हम लोग देख रहे हैं देख के हम लोग का खून खोल रहा है। भारत की जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको सभी को मूवी देखना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मतलब ऐसे मतलब मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं इतने उन लोग भड़काते हैं कि लड़की लोग अपना मतलब सब कुछ आपा खो बैठती है, और उन लोग उनके साथ जाने के लिए मजबूरन होना पड़ता है। इसलिए ऐसा जरूरी है सारा इंडियन लड़की जहीं भी कहीं भी है उन लोग को ये मूवी उन लोग जरूर से जरूर देखें। क्या कहें, मुझे तो ये फिल्म बहुत ही अच्छा लगा। मैं इस फिल्म के जरिए ये सुदीप्त सेन जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो उन्होंने अपने फिल्म के जरिए इतना अच्छा मैसेज पहुँचाया हमें, और मैं खासकर ये कहना चाहूँगी हमें हमारे हिंदू भाई बहनों को ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने धर्म को लेकर एकता से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अलग अलग जातियों में बट के रह जाना चाहिए। इसके साथ जय श्री राम। क्या कहें, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम हिंदू अपने धर्म को जागरूकता लाए। इट्स वॉज वेरी ऑसम मूवी एंड वेरी इंस्पायर फॉर अस, क्योंकि ये ऊपर लड़की लोग के बेस पर है, यानी लड़की लोग को हमेशा किसी भी बॉयज़ के साथ पर या फिर किसी भी बॉयज़ या फिर उसके ऊपर भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए। दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू बजरंग दल दैट्स गिव अस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। हमको इतना सबक मिला है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं होता है, बस लव ये सब बकवास चीज़ है, ये सबसे बस दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये लड़की लोग के लिए सबक है, जो लड़की लोग बाहर जाते हैं तो इस तरह करते हैं उसके लिए सबक है, सबक है। किया है आप लोग, अच्छा किया जो दिखा दिए। बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हमको गर्व है कि मैं हिंदू। बहुत अच्छा लगा मूवी, रियल फैक्ट था, और इससे ये पता चला कि हमें किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और अपने धर्म के लड़के से प्यार करना चाहिए, अपने धर्म के लड़के से शादी करनी चाहिए। बहुत भाल लगी से एटो पिक्चर सवाली बिल कर देखे बोला गए सवाली। हाँ ये मूवी हम सब लड़की को देखना चाहिए। जय श्री राम। और जैसा कि हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बजरंग दल के द्वारा लगातार 3 दिनों का फ्री शो जो ATC गैलरिया सिनेमा हॉल में दिखाया गया, उसके बाद दुमदुमा में देखा गया कि वहाँ भी एक दिन का पूरा जो हॉल था उसमें पूरा फ्री किया गया था जो बजरंग दल के द्वारा टिकट, और आज से 3 दिनों के लिए 1 बजे दोपहर का 1 बजे से रोजाना 3 दिन का शो फ्री किया गया है बजरंग दल के द्वारा। और आप हमारा स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह जो दर्शक है, दर्शकों की जो भीड़ है, किस तरह विशेष तौर पर यहाँ युवतियाँ आपको दिखाई देगी, और जो प्रयास है जो बजरंग दल का कि युवतियों को ज़्यादा से ज़्यादा यह मूवी दिखाई जाए, उस प्रयास में लगभग सफल हो रही है बजरंग दल। और एक बार फिर से रजत मेरे साथ उपस्थित है, और उनसे मैं जान लेना चाहूँगा क्या कहेंगे, विशेष तौर पर युवतियों को यह मूवी आप दिखाने का प्रयास कर रहे थे, और देखा जा रहा है लगभग 90% से भी अधिक यहाँ युवतियाँ हैं, वो भी लगभग 800 सीट जो हमें यहाँ जो जानकारी मिली है 800 सीट है, और लगभग 90% अभी तक फुल हो चुका है, अभी भी लोग आ रहे हैं। क्या कहेंगे? हाँ जय श्री राम। और जैसे कि लव जिहाद एक भारतवर्ष में सबसे बड़ा इशू था और है, और इसका ख़त्म करने के लिए लव जिहादियों को ठिकाना लगाने के लिए विभिन्न तरह से बजरंग दल का जो आंदोलन जैसा होता रहा हमेशा होते रहा, और जैसे कि द केरला स्टोरी के एक माध्यम से हमने युवती लोग के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज हमने रंगघर
में 3 दिन फ्री शो हमने घोषणा किया था, और देखा जा रहा है 90% आज हिंदू समाज के लड़की आके उपस्थित होकर इस मूवी को देखने के लिए तैयार है। और यही 90% लड़की जब यहाँ से देख के जाएगा विभिन्न अपने घरों में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए माध्यम में उन लोग ये बताया जाएगा जिस लव जिहाद के माध्यम से किस तरह से हिंदू समाज को खोखला कर रहा है, किस तरह से धर्मांतरण करके हिंदू समाज को बर्बाद करने के लिए किस द्वारा जिहादी द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, यही युवती लोग जाके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक प्रचार करेगा। और रहा बात, हमने ATC मॉल में भी 3 दिन का फ्री शो किया था, दुमदुमा के अरोरा जो सिनेमा हॉल है उसमें भी फ्री किया था। आज जब देखा हमने, जब इतने लड़कियां हिंदू समाज के इंटरेस्टेड है जो इस मूवी को देखने के लिए बहुत मतलब आशा है, तो हमने सोचा फिर से इस मूवी को दिखाया जाए, फिर से री किया जाए। इसीलिए आज हमने रंगघर में 3 दिन का जो द केरला स्टोरी शो है इसको बुक करने के लिए सक्षम हुआ। और विशेष से मैं राज मित्तल जी ने जिन्होंने हमारे बजरंग दल को बहुत सहयोग किया, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ बजरंग दल का तिंसिका जिला समिति की ओर से, और विशेष से सभी हिंदू समाज के जो युवती लोग हैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस मूवी को जो बजरंग दल का आह्वान था आह्वान को स्वीकार करके आज रंगघर स्थिति में आके सिनेमा देखने के लिए प्रस्तुत है। जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं तिनसुकिया बजरंग दल तिनसुकिया जिला समिति के तरफ से राज मित्तल जी को और रंगघर सिनेमा हॉल के ओनर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो हमारे साथ मिलकर हमने जो मुहिम निकाला है लव जिहाद के ऊपर, लव जिहाद को लेके उसका अवेयरनेस के लिए उसमें हमारा साथ दिया। जी जी धन्यवाद, आगे भी बने रहेंगे। और एक बार फिर से मैं दिखा लेना चाहूँगा जो पूरा दृश्य है, जो रंगर सिनेमा हॉल का जो पूरा दृश्य है एक बार दिखाना चाहूँगा। और एक दो सीट नहीं, यहाँ लगभग 850 सीट है, और 850 सीट लगभग 90% जो सीट है सीटों पे लोग बैठ चुके हैं, और जो उम्मीद किया जा रहा है 100% हाउसफुल होगा यह जो मूवी है। और विशेष तौर पर एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि पुरुषों की संख्या निम्न है, लगभग 10% भी यहाँ पुरुष नहीं होंगे, 90% से भी ज़्यादा यहाँ युवतियाँ यह मूवी देख रही है। और जो प्रयास किया जा रहा है युवतियों में जो एक जागरूकता फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है लगभग सफल दिख रहा है बजरंग दल के द्वारा। और जब मूवी समाप्त होगा तो जो यहाँ युवतियाँ उपस्थित हुई है, जो महिलाएँ उपस्थित हुई है, उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, हम लगातार उनकी प्रतिक्रिया भी लेने की कोशिश करेंगे। रंगघर सिनेमा हॉल के कर्मचारी भी है, उनसे भी जान लेना चाहूँगा कि रंगघर जो सिनेमा हॉल है इसका एक्चुअली सीट कैपेसिटी कितना है, और लगभग अभी तक कितने लोग आ चुके हैं, आपका जो यहाँ जो सीट कैपेसिटी है कितना है? हमारा रंगघर सिनेमा में 848 फुल कैपेसिटी है, 848। और जैसा कि मूवी का जो रिव्यू है मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और दिखाना चाहूँगा किस तरह युवतियाँ यहाँ उपस्थित हुई है, देखा? हाँ, बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर मूवी, बढ़िया देखा, सबको देखना चाहिए, अच्छा लगा, बस उसको इंसाफ मिलना चाहिए था। यही कहेंगे कि हिंदू समाज की सारी लड़कियाँ जागरूक हो और ऐसे मतलब लव जिहाद के खिलाफ हो जाए। और भी लोग हैं, अच्छा लगा मूवी, बहुत अच्छा लगा मूवी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मजा था फिल्म, सारे लड़कियों को देखना चाहिए ये मूवी, और कभी भी मुस्लिम लड़का पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा। मुस्लिम लड़के पे विश्वास नहीं करना चाहिए, सबके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जय श्री राम। इंस्पिरेशन था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत भाल लगी ऐसा है, यही तो बहुत अच्छा है, अच्छा मतलब सबको देखना चाहिए जो है ना, ये लड़की लोग के लिए तो खास करके देखना ही चाहिए, जो हम लोग देख रहे हैं, देख के हम लोग का खून खोल रहा है, हम लोग इस फिल्म को देखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, देख लीजिए। और धर्मांतरण और जो लाभ जिहाद, और जो हम लोग का जो लड़की लोग का आजकल का जो लड़की है वो लोग का कैसे बहलाए फुसला के अपना धर्मांतरण करते हैं, उसके लिए देखना बहुत जरूरी है। मूवी हम लोग के हिंदू समाज के सीखने के लिए दिया है, जो कि हम लोग हिंदू एक रहे। पीछे का दृश्य मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा, और भी लोग हैं, और भी लोगों से मैं थोड़ा फीडबैक लेना चाहूँगा, कैसा? अच्छा लगा, ये हम लोग के लिए बहुत ही मतलब हर मतलब जितने भी है हम
हम लोग भारत की जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको सभी को अमीबू देखना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मतलब ऐसे मतलब मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं इतने उन लोग भड़काते हैं कि लड़की लोग अपना मतलब सब कुछ आपा खो बैठती है और उन लोग उनके साथ जाने के लिए मजबूरन होना पड़ता है। इसलिए ऐसा जरूरी है सारा इंडियन लड़की जहीं भी कहीं भी है उन लोग को ये मूवी उन लोग जरूर से जरूर देखे। क्या कहें, मुझे तो ये फिल्म बहुत ही अच्छा लगा। मैं इस फिल्म के जरिए ये सुदीप्त सेन जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो उन्होंने अपने फिल्म के जरिए इतना अच्छा मैसेज पहुँचाया हमें। और मैं खासकर ये कहना चाहूँगी हमें हमारे हिंदू भाई बहनों को ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने धर्म को लेकर एकता से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अलग अलग जातियों में बट के रह जाना चाहिए। इसके साथ जय श्री राम। क्या कहें, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम हिंदू अपने धर्म को जागरूकता लाए। It was very awesome movie and very inspired for us क्योंकि ये ऊपर लड़की लोग के बेस पर है यानी लड़की लोग को हमेशा किसी भी बॉयज़ के साथ पर या फिर किसी भी बॉयज़ या फिर उसके ऊपर भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए। दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू बजरंग दल दैट्स गिव अस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। हमको इतना सबक मिला है जो हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं होता है, बस लव ये सब बकवास चीज़ है, ये सब बस दूर रहना चाहिए। जी जी जी, और भी लोग हैं, और भी लोगों को बताऊंगा और उनसे भी पढ़े। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये लड़की लोग के लिए सबक है, जो लड़की लोग बाहर जाते हैं तो इस तरह करते हैं उसके लिए सबक है। सबक है क्या है, आप लोग अच्छा किया जो दिखा दिए। कैसा, जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा मूवी। और भी युवतियाँ हैं, महिलाएं हैं। बहुत अच्छा लगा मूवी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हमको गर्व है कि मैं हिंदू। बहुत अच्छा लगा मूवी, रियल फैक्ट था। और इससे ये पता चला कि हमें किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और अपने धर्म के लड़के से प्यार करना चाहिए, अपने धर्म के लड़के से शादी करनी चाहिए। और हमें पता होना चाहिए अबाउट आवर हिंदू कल्चर, हमें हमारे सनातन धर्म के बारे में पता होना चाहिए। क्या कहें, केरला स्टोरी एक बहुत अच्छा फिल्म है। हमें देखकर ये मालूम चला कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए जल्दी से। और भी लोग हैं, और भी लोगों के पास आऊँगा, अपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। इस फिल्म सबको देखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा फिल्म देख के, बहुत भाल लगी से। एटो पिक्चर सवाली भी लगा देखी बोला गे सवाली। हाँ, ये मूवी हम सब लड़की को देखना चाहिए। जय श्री राम। हर माँ बाप को अपना बेटी को रामायण और महाभारत का पाठ सिखाना पड़ता है। ध्यान लगा साहब पिक्चर टू, बहुत ही अच्छा लगा हूँ। हम ये सिनेमा देखो बोल के हम तो छुआपोता कर चाहती और कोनो हमदर गांव में এরকম কোন আদমি আসি আমি উসব খুদা বসি দাদা। জয় শ্রী রাম। हम लोगों को तो ये सिनेमा देख के बहुत ही अच्छा लगा और ये सिनेमा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग अभी किसी फादर या किसी मुस्लिम से के साथ में नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। मूवी तो मतलब औसम पहला बात है, और सेकंडली हम ये बोलेगा ना कि ट्रस्ट जो है ना वो कम करना, ठीक है, लव हो या फ्रेंड्स पे ऊपर। मूवी देख कर बहुत अच्छा लगा, गलत है ना हिंदू और मुस्लिम में ऐसे प्यार। 850 सीट जो रंगर सिनेमा हॉल में है, लगभग 850 सीट है और 90% सीट फुल देखा गया और उसमें भी 99% जो थी युवतियाँ ही थी जो दर्शक के रूप में थी। एक बार फिर से श्याम के पास आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा, लगभग 99% युवतियाँ यहाँ उपस्थित थी। शायद तिनसुकिया में ये रिकॉर्ड होगा इस तरह का कि सिर्फ युवतियाँ या महिलाएँ 99% एक सिनेमा हॉल में एक साथ सिनेमा देख रही हो, तो कितना अवेयरनेस हुआ इस मूवी को लेकर आपको लगता है? द केरला स्टोरी के लिए एक व्यापक चर्चा देखी जा रही है पूरे तिनसुकिया जिले में इसको लेके। बजरंग दल की ओर से हमने आह्वान भी किया था कि जितनी युवतियां हैं और उनकी माताएं हैं आके इस पिक्चर को देखें, और लव जिहाद के जो लव जिहाद का षड्यंत्र पूरे देश को ख़त्म करने का एक चल रहा है, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं लेकिन धर्म के आड़ में जो लड़कियों के साथ धोखाधड़ी चल रहा है, जो लव जिहाद का एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया जा रहा है, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए बजरंग दल की ओर से हमने आह्वान किया था और उस आह्वान
को स्वीकार करते हुए पूरे तिनसुकिया जिले से बहुत सारी युवतियाँ 99% जो युवतियाँ हैं इस हॉल में आई, लगभग 800 करीबन लड़कियाँ थी, युवतियाँ थी जिन्होंने इस सिनेमा को देखा। उनका रिव्यू भी बहुत अच्छा आया और आने वाले दो दिन भी हम इसी तरह से रंगढ़ सिनेमा हॉल 1 बजे से फ्री शो किया जाएगा। जितने भी और हमारी युवतियाँ बहनें हमारी बच गई हैं, माताएं बहनें, सबसे मैं बजरंग दल की ओर से आह्वान करता हूँ कि कल इसी समय 1 बजे आएँ और जो आप लोग कोशिश करें 12:30 बजे तक आने की, क्योंकि हमें एंट्री करने में भी समय लग जाता है युवतियों का भीड़ में। और आप लोग आएँ, इस पिक्चर को देखें और लव जिहाद के खिलाफ जो एक आवाज़ गूंजना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, इसमें युवतियों का बहुत बड़ा हाथ होगा, इसीलिए हम बजरंग दल की ओर से ये आह्वान करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आज पिछले हफ्ते भी हमने ATC मॉल में दिखाया था, उसी के माध्यम के करते हुए हम लोग फिर से दोबारा दिखा रहे हैं रंगघर में, और आपके चैनल के माध्यम से मैं तिनसुकिया के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में हर माताओं और पिता से एक गुजारिश करता हूं, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जितने भी बच्चे हैं उनको ये मूवी ज़रूर एक बार दिखाएँ, और उन और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखें कि उनके जो भी फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि इस मूवी को जब हमने देखा तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि एक सच्ची घटना हो रही है हमारे सामने और उसको हम लोग महसूस कर रहे थे। अब महसूस करने में इस पूरे मूवी में जो दिखाया गया जो मेन रोल है कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं उनके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है, किसके साथ में संबंध है और किसके साथ वो ज़्यादा अपना रह रही है समय गुजार रही है, क्योंकि इसका ही दुष्प्रभाव की वजह से ही आपके बच्चे या हमारे हिंदू समाज की युवतियाँ हैं वो भटक रही है और अपने धर्म के खिलाफ जा करके किसी भी अधर्मी के साथ में अपना शादी के माध्यम से ठगी जा रही है और उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। धन्यवाद। और जैसा कि लगातार हम कहते हैं कि लगभग 800 युवतियाँ और महिलाएं, शायद ही तिनसुकिया के इतिहास में इस तरह का सीन देखा गया होगा कि एक साथ लगभग 800 महिलाएँ इस सिनेमा घर में उपस्थित हुई और इस मूवी को देखा, और पहले भी दिखा चुके हैं कि सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में जो युवतियां हैं महिलाएं हैं निकल कर आ रही है, और इस मूवी को देखने के बाद उनके जो रिएक्शन रहा है, हम लगातार जो उनका रिव्यू रहा है इस मूवी को लेकर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी हम उपस्थित होंगे, कल भी जो किस तरह का मूवी का रिव्यू रहता है आपके बीच लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंग पॉइंट समाचार।